छोड़ दोगे? एक गाड़ी में बैठ के या फिर एक एरोप्लेन में बैठ के दूसरी तरफ उतरना मेरे लिए एक्साइटेड नहीं होता। मेरा नाम अरसलान जोखी है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पूरी दुनिया फ्री में घूमी जा सकती है। ट्रैकिंग करना मैंने इसलिए स्टार्ट की थी कि मैं ट्रैवलिंग का बहुत शौक है मुझे, लेकिन इतने रिसोर्सेज मेरे पास ट्रैवलिंग के लिए नहीं है। लिफ्ट लेके आप दूसरों की गाड़ी में आप ट्रैवल करते हैं। कुंजराब टॉप तक मैं हिचहाइकिंग के थ्रू गया हूँ। अगर आप में पेशेंस है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आपके लिए हिचहाइकिंग भी नहीं है। मैं इसको अपनी प्रॉब्लम नहीं एज अ प्रॉब्लम नहीं लेता, मेरा मकसद कुछ और है, मतलब एक्सप्लोर करना है। आज तक कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आई, लेकिन ये होता है कि जब आप किसी प्रॉपर सिटी पे नहीं पहुंचते रात में तो आपको फिर ढाबे के ऊपर कैंप करके, कैंप लगा के जब स्टे करते हैं, कभी ऐसा होता है कि आपको लॉन्ग टाइम तक लिफ्ट नहीं मिल रही होती तो आपको हाइक भी करनी पड़ती है। इवन कि मैंने थरपारकर के अंदर 20 किलोमीटर तपती धूप में हाइक भी की है। ये साइन होता है लिफ्ट का, हिच हाइकिंग के लिए आपको ये साइन करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग गाड़ी में से टाटा कर रहे होते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि फ्री में क्यों निकले हो, पैसे नहीं है क्या, गरीब हो, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो रही होती है। कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि मैं ऐसे प्रिकॉशन के मतलब मैं पहले से अलर्ट रहता हूँ, ये नहीं कि गाड़ी में हर वक्त सोते हुए जा रहा हूँ। तो अपना माइंड एक्टिव रखें और टफ टाइम के लिए ऑलवेज रेडी रहें। फर्स्ट एक्सपीरियंस के लिए आप सोलो ना निकलें, 2 से 3 ट्रिप आप करीब के रखें, शहर के अंदर ही लिफ्ट मांग के आप ट्राई करें। ट्रक ड्राइवर आपको लिफ्ट देते हैं ना, ये लिफ्ट सिर्फ सिर्फ इस वजह से देते हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ टाइम थोड़ा सा पास करें, ऐसे कि वो बातें कर करके। एक मेन टिप ये आपको देना चाहूँगा कि आप अपने साथ बहुत सारी कहानियाँ रखें, रात में हिचहाइक ना करें, आप डे डे में हिचहाइक करके जहाँ आपकी डेस्टिनेशन है, इवन के डेस्टिनेशन में नहीं पहुँच सक रहे, कोई ढाबा हो तो आप वहाँ पर स्टे कर रहे हैं। काउच सर्फिंग है, ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, आपने फ्री में स्टे करना है, आप पर्सनली उस कॉन्टैक्ट को, उस बंदे को अप्रोच करते हैं जिसके पास स्पेस होती है और वो आपका होस्ट बनता है, आप एज अ गेस्ट होते हो, आप न्यू फ्रेंड्स बनाते हैं, एक न्यू सर्किल बनता है अननोन सिटी के अंदर। लोकल जब होता है तो वो आपको अच्छी तरह ब्रीफ भी करता है अपने एरिया के बारे में। ट्रैवलिंग मोस्ट एक्सपेंसिव हॉबी है, तो अब इसको किसी ना किसी तरह तो आपने टैकल करना है। डूएबल है, थोड़ा सा एडवेंचर चाहिए जिसको बंदे को, तो वो ज़रूर निकले।